अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सब फ्रेंड्स? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, रस्ते मुस्कुराते ही रहना है जी। सो रात के बज रहे हैं तकरीबन 10:30 और हम मौजूद हैं गाड़ियों की लाइन पीछे देख रही हैं। ये इमरान खान के जलसे की लाइन नहीं है, ये अचानक 10 बजे हुकूमत ने ऐलान किया है कि पेट्रोल जो है 30 रुपये महंगा हो रहा है, तो सबकी जो है हमें भाई साहब भी मिल गए हैं। तो किधर से किसने मतलब इशारा दिखता है? नहीं जी, तो अभी हम आ गए हैं, हमारे साथ नवीद भाई भी आ गए हैं, ये भी पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं। मैं पहले दनियाल के साथ आया था, उसकी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, फिर वो चला गया था, मैं अंदर ही उतर गया था। तो मैंने कहा व्लॉग श्लोक बना लें, नून लीग वालों ज़रा उनकी हौसला अफजाई कर लें। तो अभी 150 रुपये लीटर है पेट्रोल और 130 रुपये महंगा होगा 12 बजे के बाद, जो अभी ऐलान हुआ है 10 बजे, और गाड़ियों की जो लाइन है वो आप देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, पीछे इससे पीछे भी है, वो भी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर तक। सही ज़्यादा रश हो गया है एकदम में, आधे घंटे में अभी हम पहुँचने भी काफ़ी टाइम लगेगा। सो चलते हैं आगे आगे और फिर मिलते हैं। हाँ जी, अभी हम थोड़ा बहुत चार फुट के आगे आए हैं, ठहरे आपको पीछे दिखाते हैं रश। तकरीबन यहाँ तक और आगे भी है, यहाँ तक इतना दूर आगे पेट्रोल पंप है, रश काफ़ी हो गई है। पीछे वो बिजली कार तक, आगे 3-4 लाइनें बनी हुई हैं जिसकी वजह से हम आगे चल ही नहीं रहे। उधर ही खड़े हुए हैं, जो गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल है वो इधर ही ख़त्म हो जाएगा, वहाँ तक पहुँचते। हाय नून लीग वालों, क्या ये आपने कर दिया, क्या कर दिया आखिरकार। देखें, एक पेट्रोल की कीमत महंगा होने से ना हर चीज़ की कीमत महंगी हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ गाड़ियों पे आती है। तो ज़ाहिर है जब पेट्रोल ही महंगा होगा तो हर चीज़ तो साथ साथ महंगी होगी ना। अब महंगाई और अभी आप देखें, अगर 30 रुपये पेट्रोल महंगा होता है, थोड़ा भी नहीं 30 रुपये, और उसके बाद महंगाई पता नहीं कहाँ पर चली जाएगी। खान साहब भी अच्छे थे नून लीग वालों, अब याद तो आएंगे ना आपको। अब बस आप जल्दी जल्दी सारे आमी भरें, 6 दिन बाद अगर ये इलेक्शन के ऐलान ना करें सड़कों पे निकलें, ठीक है, 6 दिनों बाद इलेक्शन का ऐलान होना चाहिए, तब हमारा पेट्रोल कोई थोड़ा सा नीचे आ सकता है 150 पर। जब तक भाई आगे आ जाए तब तक हम आगे की सूरत हाल देख लें, क्योंकि जब तो मैं पीछे गया था उस टाइम तो इतनी रश नहीं थी, अब देखते हैं कितनी रश होगी। मामू को भी कॉल करते हैं, वो किधर हैं अभी। मामू सोए हुए थे, मैंने उन्हें कॉल की है, एकदम जैसे बंदे को झटका लगता है वैसे उठ के तो आ गए हैं। अभी उनको भी कॉल करके पता करते हैं वो किधर हैं। यहाँ पर देखें गाड़ियाँ इधर की उधर हो गई हैं, यहाँ पर तो पहले ही ख़त्म हो गया पेट्रोल, यहाँ पर अब 3 लाइनें बन गई हैं। आप देखें यहाँ पर भी सही रश है, और रॉन्ग साइड से भी गाड़ियाँ जो आ हैं वो आ रही हैं, ट्रैफिक वाले मेरे साथ में आ गए हैं, पीछे भी रश काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और बाइक वालों का भी आ गया, तो 150 बाइक खड़ा हुआ है, पेट्रोल पंप वाले भी तंग आ गए हैं एकदम इतनी रश। अल्लाह माफ़ करे आपको। ये सब बाइकों वाले हैं, बाइकों वाला कोई दीन मार नहीं है, सारे बस जुर्मटी बना के जा रहे हैं, गाड़ियों वाला तो फिर ठीक सिस्टम है। देखते हैं भाई साहब किधर पहुंचे हैं। मामू तो डलवा के चले भी गए हैं, बाबर भाई उधर ही खड़े थे,
अब पता नहीं हमारे भाई साहब जो हैं वो किधर पहुंचे होंगे। ये आ गए, नज़दीक आ गए, नज़दीक। आगे तो 3-4 लाइनें लगी हुई हैं। ये जो बच्चा बैठा हुआ है ना गाड़ी के ऊपर, ये हमारे गांव का है ना, मेरा बहुत बड़ा फैन है। ऐसे पता नहीं अब मैं वीडियो बना रहा हूँ या मैं इधर गाड़ी में बैठा हूँ। आगे मुझे ऐसा देखा था, लेकिन अभी इसको पता नहीं है। जब वीडियो देखेगा ना फिर इसे पता लगेगा। पता नहीं अब इसका नाम मुझे नहीं पता। इधर मुड़ जा, ये वो तरीके बस। अब इसको नींद आई हुई है, लोग देखेगा फिर इसे पता लगेगा। आखिरकार हम भी पहुंच रहे हैं जी पेट्रोल पंप के थोड़ा सा पास। गाड़ी हिल रही है, थोड़ा पास आ गया। सो कुछ देर में हम पहुंच जाएंगे पेट्रोल पंप के पास। हम पेट्रोल पंप के करीब तो पहुंच गए हैं, लेकिन एक फिक्र अभी पड़ गई है। टाइम आप देख लें, टाइम हो गया 11:20 और जो है 12 पेट्रोल महंगा होना है। और हम पास भी आ गए हैं, अभी देखते हैं गाड़ियां तेज़ आगे जाती है या टाइम आगे जाता है। ये अभी थोड़ी देर तक ही डिसाइड होगा। चलें थोड़ा हम भी पास आ गए हैं, जाते हैं पास, देखते हैं फिर क्या बनता है। जब जब टाइम आगे जा रहा है तब तक दिल की धड़कने तेज़ हो रही है। अभी उसका पता नहीं है, रश बहुत है। 5 लाइनें बनी हुई हैं और आगे और भी ज़्यादा होंगी। तकरीबन 6 लाइनें आगे तक बनी हुई हैं। तो टाइम हो गया पूरे 11:30। टाइम थोड़ी सी ज़्यादा पड़ी है, थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब हम पता नहीं उधर किधर से होंगे। तो टाइम हो गया 11:30 और पूरे 11:30 हम पहुँच रहे हैं जी इतना नज़दीक पास या दूर। ये भी बीच में आ गए, अभी इसने देख लिया, शर्म आ गया। देखें आ रहा हूँ। अभी हम बिल्कुल पास पहुँचे हैं, लेकिन टाइम भी बहुत कम रह गया। अभी हम बिल्कुल पास पहुँचे हैं। हमारे आगे कितनी गाड़ियाँ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मेरे ख्याल में 10। हमारे आगे 10 गाड़ियाँ हैं, 9 या 10 होंगी। और टाइम हो गया जी। लगते हैं हमें 30 रुपये ऊपर ही डलवाना पड़ेगा पेट्रोल भी। रोला ही है बाबा जी वहाँ पर, इन गाड़ियों ने रोला बनाया हुआ है। ये रॉन्ग साइड से आ रही हैं, तो वहाँ पर वो बंदे लगे हुए हैं, यार इस साइड से ना आए, ये रॉन्ग साइड है सारा मसला है। उन्होंने पीछे लोग कहते हैं खड़े हुए हैं, ये बीच में आके घुसा देते हैं। जाए लोग हैं, 2 के जाए लोग। हम भी तो हैं पीछे से, सिरे से आ रहे हैं। मेरे सिरे से आंटी लगी हुई है, फिर से टीटें मार रही है। मैंने कहा यार सब्र करें ना, अभी तो हैं गाड़ियाँ कुछ आगे। जो सुजुकी वाले हैं ना, ये बीच में घुसा रहे हैं, वो घुसा भी दी कहीं पर। ऐसे 2 इंसान है ना, ऐसे 2। हम पीछे से वेट करके आ रहे हैं, ये आगे से आगे ही घुसाते जा रहे हैं, आगे ही घुसाते जा रहे हैं। यहाँ पर कोई रूल भी नहीं है, पाकिस्तान है तो यहाँ पर भी, वहाँ पर देखें लड़ाई हो गई। यहाँ पर बंदे इकट्ठे हुए हुए हैं, थोड़ी बहुत गर्म सर्दी हो गई है। उफ, क्या बनेगा पाकिस्तान आवाम का। रश पीछे देख लेना ज़रा, कितनी रश है। यहाँ पर भी पीछे लाइन लगी है रॉन्ग साइड पर। वहाँ पर जो है ना लड़ाई जारी है अल्कोहल की। अभी और गर्म हो रही है। बचत हो गया, टाइम हो गया अभी। आवाम बहुत ज़्यादा है और हम पहुँच गए हैं, और हमारे आगे एक गाड़ी है। टाइम हो गया है 1 कम, और 9 कम 12। अब ये गाड़ी सही फंसी हुई है ना बीच में, इनको मज़ा आएगा। ये 2 गाड़ियाँ जो है सही फंसी हुई हैं, तो उसे मुझे वाड़ देगा।
ले जी हमारे आगे आप बिल्कुल एक गाड़ी रह गई है और हम पहुंचे हैं बिल्कुल मुंह के आगे। हमारा पेट्रोल तो हो गया, अब हमने गाड़ी यहाँ पर पार्किंग पे लगा दी है और रह गए हैं कितने मिनट कितना करके रह गए हैं जी 4 मिनट रह गए हैं। देखते हैं अब हम 12 बजे के बाद यहाँ पर क्या शुगर मिलाता है क्योंकि रश बहुत है। 12 बजे के बाद पेट्रोल लेने का ना बाइक भी आ रहे हैं और रश इतनी रही तो नहीं, लेकिन देखते हैं क्या शुगर मिलाता है 12 के बाद। इंतज़ार करें आप भी और हम भी। ये देख लें यहाँ पर अब रोड बंद हो रहा है, इनकी दूर कम्प्लीट हो गई है। ये जो गाड़ियाँ हैं इनको पेट्रोल मिल जाएगा 150 लीटर और यहाँ से पीछे पीछे हैं ये जो अभी कार को जा रहे हैं इनको अभी मिलेगा 180 रुपये किलोमीटर 80 रुपये लीटर है। जी जी हो गया है जी। हाँ बस गईयाँ जो अदूध में थी उनको अंदर कर रहे हैं, बाकी गाड़ियाँ बस जा रही हैं, बस आहिस्ता आहिस्ता नहीं कर रही हैं। नहीं नहीं उनको उनको अंदर कर दिया, उनको 150 रुपये लीटर डाल के देंगे जो बाकी हैं, तो उनको 180 वो जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हाँ बस निकल, बस इन्होंने खाली कर दिया। हाँ अभी बस हम निकलने लगे हैं मैं और नवीद भाई। चाहिए अरे ये अभी यहाँ से इन्होंने बंद कर दिया है, ठीक है, और बंद कर दिया है इन्होंने पंप और तकरीबन 15-20 मिनटों बाद अपना ये रेट वहाँ पर जो रेट है वो चेंज करेंगे और जो गाड़ियाँ अंदर हैं उनको 150 रुपये लीटर मिलेगा। ओहो जो बाहर हैं उनको 180 रुपये लीटर। अब हम भी चलते हैं घर की तरफ, आप भी साथ जाएँ घर, अब फ़ायदा नहीं है लाइनों में खड़े होने का। ले जी फिर पेट्रोल भी महंगा हो गया है 180 रुपये आपके 180 रुपये लीटर और हमने पहले ही डलवा लिया था 10 मिनट, जिन्होंने नहीं डलवाया वो अभी 180 रुपये लीटर जो है वो डलवाएंगे और सब लोग चले गए हैं। वहाँ पर बंद हो गया 10-20 मिनट के लिए, वो रेट चेंज करेंगे फिर उसके बाद जो है फिर शुरुआत करेंगे नए सिरे से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, कोई व्लॉग का इरादा नहीं था लेकिन फिर बनाना पड़ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा महंगा सा और सरप्राइज सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और जगह किसी और के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।